यूपी के संभल में आज कुछ घंटे हुई बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। जगह जगह हुए जलभराव के चलते राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोतवाली समेत शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। चौक पड़े नाले उफान कर आए और रास्ते पूरी तरह जलमग्न नजर आए। आपको बता दें कि संभल में आधे घंटे की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। पूरे शहर में घुटनों तक नाले के पानी का भराव हो गया और स्कूली बच्चों को कमर तक गंदे पानी में उतर कर स्कूल जाना पड़ा, जिससे उनकी यूनिफॉर्म और जूते खराब हो गए। शहर में गंदे पानी में उतर कर स्कूली बच्चों को खतरनाक बीमारी के साथ सड़क में मेन होल खुले होने से उनकी जान का भी बड़ा खतरा बना हुआ है, मगर चेयरमैन आंखें मूंद कर सो रहे हैं। उन्होंने एक साल से नाले की साफ सफाई नहीं कराई। सत्ता पक्ष की चेयरमैन नींद ले रही है। रीजन क्या वजह है जो पानी भरा पड़ा है शहर में? सब गंदगी हो रही है, नालों की सफाई नहीं हो रही, सब परेशान है, सब में पानी भरा हुआ है, निकलने को तक जगह नहीं है, सब गंदगी हुई पड़ी है। क्या लापरवाही है किसकी है? नालों के साफ सर, ये साफ चेयरमैन साहब जो बैठे हैं ये तो कुछ गोरी नहीं दे रहे। अब पहले पहले इन्होंने गोर दिया, शुरू शुरू में, अब कोई गोरी नहीं दे रहे साहब। सफाई हुई ऊपर ऊपर से सफाई हुई और ऊपर और शहर गंदे पानी में डूब रहा है। नगर पालिका की ओर से मानसून आने से पहले दावे किए गए थे कि शहर के सभी नालों की सफाई करवा दी गई है, बरसात के दिनों में परेशानी नहीं होगी, लेकिन आज हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के दावों पर पानी फेर दिया। बरसात के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया, इसके कारण लोग नगर पालिका को कोसते हुए नजर आए। हालांकि बरसात आने से पूर्व ही शासन की ओर से नालों की सफाई कराने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए थे। बावजूद इसके आमजन को नगरपालिका की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है।